एक शेख थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में ना, उन्होंने कहा कि मेरे बिस्तर पे जो मेरा ऑपरेटिंग टेबल है उस पर कई लोग मरे, तकरीबन 45 के 46 का उन्होंने जिक्र किया, पीपल हु डाइड ऑन हिज ऑपरेटिंग टेबल। उन्होंने कहा उनमें से मैंने सारों को कहा कि कलमा पढ़ दो मरने से पहले, मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं पढ़ा सिवाय एक शख्स के, यानी आउट ऑफ 46 ऑड पीपल हु डाइड ऑन माय ऑपरेटिंग टेबल नो वन वाज एबल टू से ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स भी मरने से पहले कल आखिरी अल्फाज जिसके ला इलाहा इल्लल्लाह होंगे, वो दखल अल जन्नत, ही विल एंटर पैराडाइज, बट इवन आफ्टर टेलिंग देम कि बोल दो, वो नहीं बोल सकते, बिकॉज जिसकी लाइफ ला इलाहा इल्लल्लाह पर नहीं गुजरी, वो उसका खात्मा कैसे होगा इसके ऊपर। उन्होंने बताया कि दो लड़के थे जिनका एक्सीडेंट हुआ लबनानी, तो वो मोटरवे पे उनका हादसा हुआ, कहते जब हादसा हुआ तो हमारा वैन वहां पहुंची, उन्होंने उनको बाहर निकाला और जब उनसे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो क्योंकि हालत बहुत खराब थी, कहते हैं वो उस टाइम पे सिर्फ गाने गा रहे थे, जो गाने अभी गाड़ी में लगे हुए थे वो गाने गाते गाते मर गए, और हम कह रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लबनानी लड़के उधर ही फोत हो गए, गाने गाते 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 मर गए, क्योंकि जब जो कुछ आप दिन में कर रहे होते हैं वही आपके, जब जो कहते हैं ना स्टूपर्स ऑफ डेथ, जब बंदा सकरातल मौत से गुजर रहा है और उस हालत से गुजर रहा है जहां पे वही इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ डेथ है, उसमें से गुजर रहा है, तो वो क्या उसको याद रहेगा, तब होशो आवाज उसके होंगे कि वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, या वो होगा जो उसकी पूरी लाइफ में गुजरता था। तो ये जो लोग थे उनको बताया गया कि आप बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो नहीं बोल सके। एक और का जिक्र करते हैं, एक लड़का जो 18-19 साल का था, जो कि मतलब देखने में माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग लग रहा था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और वो गाड़ी का टायर बदल रहा था, तो साइड से कोई ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रॉली टाइप की चीज आई और वो उसकी गाड़ी को लगी, उसने देखा नहीं कि ये गाड़ी रुकी हुई है, वो हिट हुई और ये लड़का क्योंकि टायर रिपेयर करता था उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई लिटरली, आप समझ, तो बैडली इंजर्ड, वेरी बैडली इंजर्ड। तो कहते हैं हमारी एम्बुलेंस को बुलाया गया तो वो शेख साहब भी उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ही यूज्ड टू मतलब वर्क एज अ डॉक्टर ऑल्सो, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा हूं तो हमने इसको लड़के को ना गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में डाला बैक सीट के ऊपर, और कहते हैं अब इसको हम लेके अस्पताल जा रहे हैं, कहते हैं अस्पताल जा रहे हैं और हमें था कि ये क्रिटिकल हालत में है, तो कहते हैं कि पीछे से बड़ी खूबसूरत तिलावत की आवाज़ आती है, क्या तिलावत की आवाज़ आती है, या ये तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कहते हैं कि ये उसने तिलावत की बड़ी खूबसूरत आवाज़ में, और फिर आवाज़ आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, फिर एक लंबे से सांस की आवाज़ आई इसका, और कहते फिर वो बच्चा रुक गया जहाँ पे था। तो शेख साहब कहते हैं कि मैंने पीछे हाथ किया उसका नब्ज चेक करने के लिए तो वो फोत हो चुका था, कहते मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, ड्राइवर ने मुझे देखा, और कहते हम दोनों ही रोना शुरू हो गए,